हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जय श्री टेलीकॉम। आज हम एक बड़े यूजफुल वीडियो आपको दिखाने वाले हैं कि आपका मोबाइल फोन है, सेल फोन, उसमें अगर टफन ग्लास जो लगाया हुआ है ऊपर, वो इनकेस डैमेज है हाथ से गिरने से वजह से या किसी और वजह से, तो आप उसको घर बैठे ही रिप्लेस कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे ये करना है आज हम ये वीडियो में आपको दिखाएंगे। और एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया गया है, उसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए ये जो टेक्निकल अपलोड्स है वो आपको मिलते रहे। तो अभी ये हमारे पास एक सैमसंग का मोबाइल फोन है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टफन डैमेज है, देखिए फिजिकल डैमेज है, यहाँ पे क्रैक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये बीच में भी एक बड़ा सा क्रैक है। तो ये एक्चुअली टफन ग्लास जो उसमें लगाया हुआ है उसमें ये क्रैक है, तो इसको आज हम रिप्लेस करेंगे ये टफन को। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिएगा एक ग्लास क्लीनर कोई भी, थोड़ा सा कॉटन, एक थोड़ा ब्लेड जैसा या नाइफ जैसा थोड़ा सा हो, थोड़ा ये चाहिएगा, और ये इसमें कम्फर्टेबल आपको टफन ग्लास चाहिएगा। तो अभी ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो है टफन ग्लास को रिमूव करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये जो ब्लेड है थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें हाथ में लगे नहीं आपको, और ये एक्चुअली छोटे बच्चे को तो बिल्कुल मन टच करने दीजिएगा, ये ब्लेड को उनसे दूरी रखिएगा। दोस्तों, आपके पास और भी कोई मानो कि प्लकर है तो इससे भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ब्लेड ही चाहिए। मेरे पास अभी ये सर्जिकल ब्लेड अवेलेबल था तो मैं उससे रिमूव कर रहा हूँ। तो इसको आप धीरे धीरे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, हल्के से आप इसको पुल कीजिए, खींचिए जरा ऊपर की तरफ। तो ये देख रहे हैं आप अभी धीरे धीरे टफन निकल रहा है, और ये निकलते वक्त ध्यान रखेगा क्योंकि ग्लास टाइप होता है, इसलिए इसकी जो डस्ट है ये आपके आंखों में या हाथ में ना लगे, वो थोड़ा आपको केयर करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बारीक डस्ट होती है इसकी। ये देखिए आस्ते आस्ते वो पुल आउट हो रहा है, देखिए जैसे कि ये यहां से पुल आउट हो गया हल्के से, देखिए आप देख सकते हैं इतना आधा हो गया है पुल आउट। तो फिर मोबाइल को ऐसे पकड़ के थोड़ा सा आस्ते, एकदम स्लो स्लो, एकदम ऐसे करके आपको इसको खींच लेना है, ठीक है। देखिए ये टफन ग्लास रिमूव हो गया है, फिर इसको साइड में रख दीजिए। फिर ये जो मोबाइल फोन है उसको आपको थोड़ा कॉटन लेकर क्लीनिंग लिक्विड से आपको थोड़ा इसको, डायरेक्ट इसके ऊपर स्प्रे मत कीजिएगा, थोड़ा ऐसे कॉटन के ऊपर आप थोड़ा स्प्रे लेकर इसको आप सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये हम क्लीन कर रहे हैं मोबाइल को, थोड़ा एकदम क्लियर क्लीन कीजिएगा क्योंकि अगर वो जरा सी भी डस्ट रह गई होगी इसमें तो वो आपके नए टफन में भी रह सकती है। फिर एकदम ड्राई कॉटन से इसको साफ कर लीजिए। आपके पास कोई कपड़ा हो तो उसे भी जरा इसको घिस के साफ कर लीजिए, एकदम क्लीन होना हो जाना चाहिए डिस्प्ले। देखिए एकदम क्लीन हो गया है डिस्प्ले, देयर इज नो डस्ट। अभी ये जो टफन आता है इसमें स्टिकर दिया होता है, उसका जो बैक साइड का जो स्टिकर है वो रिमूव करने के लिए उसको जरा ध्यान से देखिए, वो नीचे की तरफ रहता है, यानी कि ये नीचे का भाग हुआ, ये ऊपर का भाग हुआ, ठीक है। तो नीचे का भाग का जो उसका होता है जो लेयर, उसको ऐसे हल्के से आप पुल कीजिए तो वो ऐसे निकल जाएगा, वो यूज में नहीं लेना है, पतला वाला, ठीक है। ये निकल दिया, अब ये सिर्फ टफन को ही हमें लगाना है ये सतह पे,
ठीक है, इसको थोड़ा एकदम लेवल लेकर थोड़ा आगे पीछे करके, अभी इसको आपको रखना नहीं है, जैसे रखेंगे ये अपने आप चिपक जाएगा। थोड़ा एकदम लेवल देखकर लेफ्ट राइट अप डाउन इसको आप रख दीजिए। ठीक है, तो जैसे ये लगा दिया आपने, फिर इसको हल्के से ऐसे प्रेस कर देना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कर देंगे तो इसकी जो एयर है आप देख रहे हैं, एयर ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए दोस्तों, दिख रही है, ये पूरा चिपक गया टफन, देखा। फिर एक बार टफन लग जाने के बाद हल्के से ऐसा कॉटन का कोई भी कपड़ा लेकर जस्ट ऐसे प्रेस कर दीजिए, एकदम लाइट वेट, कुछ उस पर ऊपर हमें प्रेस ज्यादा नहीं करना है वरना वो टफन डैमेज हो सकता है। तो ये हमने ऐसे कर दिया दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं ये टफन हो गया है, ठीक है, एकदम ब्रांड न्यू। यहाँ पे थोड़ा रह गया है, इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कर दिया है, तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टफन हमने लगा दिया है, तो ये अब हो गया है चालू मोबाइल एज पर रूटीन। ठीक है, ये सब मोबाइल इज वर्किंग फाइन, और ये हमने आसानी से घर बैठे ही टफन रिप्लेस कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप में। थैंक यू फ्रेंड्स।